फ्रेंड्स अरे फोटो की क्या था अरे भाई कहाँ कहाँ भेज दे बेटा भेजब ना एक एक देखी है जहाँ जहाँ जाए ना पूरे भारत में भी लोग देखी हैं तो हैं अरे तब का ना ऐसा मत कर स्टार बन जाओगी तुम स्टार बन जाओगी हीरोइन बन जाएंगे सीता हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल प्रियंका ब्लॉग एंड कुकिंग। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अपना अच्छी तरीके से ध्यान भी रख रहे होंगे। तो स्वागत है आपका मेरे पहले व्लॉग में। तो मैं ट्राई कर रही हूँ कि एक छोटा सा व्लॉग आप लोगों के सामने प्रेजेंट करूँ। उम्मीद करती हूँ ये व्लॉग आपको अच्छा लगेगा और कहीं भी ये वीडियो ज़रा सा भी अच्छा लगे ना तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल पर नए आए हैं तो मुझे सपोर्ट करने के लिए मुझे सब्सक्राइब ज़रूर से कर लीजिएगा। तो चलिए मैं आपको बता देती हूँ कि यहाँ पर हो क्या रहा है। तो मेरे पास ना एक मिट्टी का चूल्हा है, पहले से बना हुआ है और मुझे उसे फ़िक्स करना है। तो उसके लिए मेरी ये हाउस हेल्प हैं, इनका नाम सीता है और ये मुझे चूल्हे का बेस बना करके दे रही हैं। चूल्हे की हीट की वजह से ना टेरेस आपका ख़राब हो सकता है, इसीलिए यहाँ पर चूल्हे का बेस होना इम्पॉर्टेंट है। तो वही सीता मेरी हेल्प कर रही हैं बेस बनाने के लिए। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, आई एम श्योर आप लोग एंजॉय करने वाले हैं कि गांव में किस तरीके से ये मिट्टी का काम होता है। तो यहाँ पर ना ये बेस बनाने के लिए इन्होंने यूज़ किया है ईंट, मिट्टी और काउडंग यानी कि गोबर। तो यहाँ पर इन्होंने ईंटे को इस तरीके से अलाइन किया है कि ये एक स्क्वायर शेप में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और इनको अच्छा स्मूथ पक्का बनाने के लिए इन्होंने यहाँ पर गोबर और मिट्टी को मिला करके इसके ऊपर लेयर लगाना है। तो आप वीडियो को एंड तक ज़रूर से देखिएगा और एंजॉय कीजिएगा। तो यहाँ पे बेस को स्मूथ करने के लिए मिट्टी और गोबर से एक मिक्सचर तैयार करेंगी। तो यहाँ पर इकट्ठे मिट्टी को गिरा लिया गया है और जितने भी मोटे चंक्स हैं उसको वो साइड में रख रही हैं ताकि अलग से उसका जो पेस्ट है वो तैयार कर पाएँ, उसको टेक्सचर स्मूथ करने के लिए इसका। तो यहाँ पर जितने भी मोटे चंक्स हैं वो अलग रख रही हैं और जो यहाँ पर ईंट के ऊपर जो मिट्टी आप देख पा रहे हैं इसको पानी डाल करके इसको अभी सॉफ्ट करेंगी, उसके बाद ये आगे का काम अपना स्टार्ट करने वाली है। तो ईंट के ऊपर जो भी इन्होंने मिट्टी तोड़ करके डाली है ना इसके ऊपर ये पानी डाल रही हैं ताकि ये सॉफ्ट हो सके। जब तक ये सॉफ्ट होगा तब तक ये जो मोटे चंक्स वाले मिट्टी है इसको भी ये तोड़ करके इस तरीके से बारीक कर लेंगी। एक बार जब सारी मिट्टी बारीक हो जाएगी उसके बाद इसके अंदर ये गोबर मिला करके और पानी डाल करके एक पेस्ट बनाएंगी जिससे ये ईंट वाले बेस के ऊपर ये एक लेयर बनाएंगी और उसको स्मूथ करेंगी ताकि चूल्हा फिक्स करने के बाद भी वो स्मूथ बना रहे। तो यहाँ पे ना मेरी बेटी बैठी हुई है और ये सीता से बार बार सवाल पूछ रही है, बार बार सवाल पूछ रही है कि आप ये क्या कर रहे हो, इसके बाद क्या करोगे, इसके बाद क्या करोगे। बहुत कीन है ये जानने के लिए कि ये इसके बाद ये क्या होगा और वो ना मिट्टी को टच करने के लिए बहुत बेचैन हो रही है कि मैं कैसे करूँ
तो यहाँ पर जितना पानी पहले डाला गया था ना, वो सारा मिट्टी ने एब्जॉर्ब कर लिया है। तो यहाँ पर इसको और पानी डाल करके इसकी कंसिस्टेंसी ठीक की जा रही है। तो जो मिट्टी यहाँ पर सोख होने के लिए रखी गई थी ना, वो अच्छी तरीके से पानी एब्जॉर्ब करके सोख हो चुकी है। अब इसके अंदर मिट्टी के अंदर यानी टू पार्ट मिट्टी के अंदर एक पार्ट गोबर डाल दिया गया है और इसको बिल्कुल अच्छी तरीके से ये नीड कर रही है यहाँ पर। जैसे ही अच्छे से आपस में मिल जाएगा, ये देखिए आप देख पा रहे होंगे वीडियो में, ये हाथों से ही उसका एक लेयर बना रही हैं ईंट के ऊपर, ताकि ईंट का जो गैप है वो चारों तरफ से ढक जाए। सरफेस एकदम इसको हाथों से ये इवन करने की ट्राई कर रही हैं, जितना हो सके उतना ये इवन करेंगी। और जब जब इनको लगेगा कि ये मिक्सचर ड्राई हो रहा है, ये थोड़ा थोड़ा पानी इसके अंदर लगाते जाएंगी और सरफेस को एकदम स्मूथ करते जाएंगी। कब ले झुराए सीता? अरे ये तो समाई जा है, सब मार नहीं, थोड़ा सा आगे जलाई दे हूं, ऊपर ऊपर से लगाई दे हूं, पर नहीं है सुनना यहाँ पर ना। मैं और सीता आपस में बात कर रहे हैं मदर टंग में, तो मैं आपको समझा देती हूँ कि हम बात क्या कर रहे थे। एक्चुअली क्या है ना, ठंड का मौसम है और चूल्हे पे गरम गरम खाना बनाना, खाना खिलाना बहुत ही अच्छा लगता है। तो मैं बस पूछ रही थी उनसे कि कब तक ड्राई हो जाएगा और मैं अपना काम इस पर कब से शुरू कर सकती हूँ। तो वही वो मुझे सिखा रही थी कि ये जो वीडियो है ना, ये संडे का है, तो ये मुझे बता रही थी कि मंडे के दिन आप इसके ऊपर आग सुलगा सकते हो, यानी कि एक बार आप आग जला देना मंडे के दिन, मंडे अच्छा दिन माना जाता है। इसके बाद ये जब भी सूख जाएगा, आप इसके ऊपर अपना काम चालू कर सकते हो। वैसे ये 2 से 3 दिन में आराम से अच्छी तरीके से सूख जाएगा। ज्यादा वोट तो मारती नहीं है, तो उधर ही नहीं तो मार रहा है, नहीं अपन आगे सुलझाई दी है कैसे जलाऊं इसमें। ऐसी तो सीता है कि ईंटों ऐसे ही खड़ा करके ना मटिया से कर देगी। हाँ हाँ, तो बार बार हटावे के लगावे के मतलब है ना, और एक बार चूल्हे को भी कवर कर दो ना। हाँ वो तो करेगी बाद में ना, बाद में वो तो पोतना है खाली मिट्टी से ना। तो पोत दे मिट्टी से रोने पता है कि पोतना है बनाए दे ही तो ना चिप से तो ना। हाँ मैं ही पोत हूँ, ऐसे लगाओगे ऐसे जैसे तो का ऐसे लगा दो। ये क्यों लगाओगी, ये क्यों लगाओगे अम्मू, ये क्यों लगाओगे अम्मू? तो रोटी ऐसे सीखती है ना, तो खड़ी रहेगी, ऐसे सपोर्ट से रहता है ना। किसको? रोटी को। जब रोटी सीखती है तो चूल्हे के अंदर थोड़ी सीखेगी, यहाँ सीखेगी। तो ऐसे जब तवे पे करोगी तो ऐसे फट सुना दे। तंदूर थोड़ी तो रोटी यहाँ तवे से को छानी, जब उसको फुलानी होती है तो यहाँ पे करके तंदूरी का रोटी तो ऐसे बहुत बड़ा सा था, उसमें से मार देते हैं कोली कोली। हाँ, नीचे आग जलती है और कोयला रहता है अंदर, और उसमें मार देते हैं उसको पलटते लटते नीचे भी निकाल देते हैं।
देखा हूँ की शादी में गया था ना, वो बना रहे थे मिट्टी और पानी से लिपा जाता है मिट्टी। हाँ मिट्टी थोड़ी रहती है, फिर पानी लगा करके तब गोबर नहीं रहता, खाली मिट्टी रहती है। नहीं देख रहा है कुआं से बिना जिसे चूल्हा जैसे जैसे गैस माजता है ना, गैस साफ करते हो ना, हाँ तो वैसे ही चूल्हा भी साफ होता है। कब कैसे? रोज। तो क्या होता है जब खाना बन जाता है तो एक डब्बे में मिट्टी रहती है, उसी में पानी चेंज कर देते हैं रोज़ रोज़, तो वही कपड़ा गीला करके फिर इसको पूरा से पोता जाता है तो वो साफ़ हो जाता है। तो तू रोज़ करोगी कि जब खाना बनता है फिर उसके बाद जब ठंडा हो जाए करोगी? हाँ तो रोज़ सफाई तो रोज़ करनी चाहिए। मैं करूँगी। हाँ गौरी करेगी। माता जी की लोग के चूल्हे में ये है? नहीं ठीक है। हाँ ठीक है। तिरछा एहर झुका हुआ डब्बा है। सर तक सीता लगा दो, अच्छा दिखे। लकड़ी कब से आई? अम्मा भेजी नहीं? कहाँ भेजी? वहीं रखा ढेर सारा है। तो मुझे लकड़ी का उतना काम नहीं लगेगा ना? लकड़ी का उतना काम कहाँ है? इसी से हुई ऐसी होल क्यों बने इसमें? होल ताकि धुआं ना लगे। काला ना? काला तो होगा ही ना, आग जलेगी तो काला ही होगा। मिट्टी पोतेंगे तो हर दिन मिट्टी पोता के थोड़ा थोड़ा इसके ऊपर कोटिंग होती ले गई लिए तो मोटा नहीं जाएगा। बढ़िया से राखी बटोर को उठा लेंगे गौरी, तब पोतना से पोते हैं तो ज़्यादा काला ना हो पहाड़ पोतना, अरे मिट्टी भी करिया ना हो पहले अच्छे से राख उठा लेना। हाँ ज्यादा काला हो गया चार छह दिन अभी तो फिर धो के गिराए जब फिर से मिट्टी लगाया, अरे मिट्टी डाल लो सीता एकदम कैमरा में हाय बोल रहा। अरे भाई हाय। अरे देख के बोल दो तब ना तो फोटो अच्छा है। अरे भाई अब जगह तो फौरा मौरा मारो इसे बाबा फोटो मार देखा था। अरे सब देखे जैसे तू चूल्हा देखत रहू ना वैसे तो हूँ सब देखे। अरे कहाँ कही है ऐसे कहा ऐसे ही ने देख के हाय बोला। हाथ लगी रह जा रह जा। हाय फ्रेंड्स। हाँ अब बोला हाय फ्रेंड्स। हाय फ्रेंड्स। अरे भाई अरे फोटो की क्या था। अरे भाई कितना
कहाँ कहाँ भेज दे बेटा? भेजब ना, एक एक देखी है जहाँ जहाँ जाए ना, पूरे भारत में भी लोग देखी हैं तो हैं। अरे तब का ना ऐसा मत कर, स्टार बन जाओगी तुम। स्टार बन जाओगी, हीरोइन बन जाएंगे सीता। बुढ़ाएगी हो का? सीता वीडियो में बोल रही है हाय फ्रेंड्स। देखा बोल रही है, बोल रही है के भेजबू हमके पूरा भारत देखे, दुनिया देखे तो पापा सीधा ही रोई बन जाएगी। थोड़ा सा इसे ढलान अस कर देना, ऐसे ढला बराबर हो तो नहीं ठीक बा, बराबर करबू तो फिर वो मौत का हो जाए। हाँ। ऐसे चिकन चिकना के ऐसे ऐसे बिटिया से करवाऊंगा तो हमने के का करे? नहीं जैसे जहां लगाऊंगी। हां हमने को रोजी रोटी हटाऊंगा 100 रुपया में, नहीं जैसे 90 रुपया तोहार रहे 10 रुपया एकर रहे ना। तोहार पार्टनर बन जाएगी का? पार्टनर बनी ना। अच्छा सब पाव 10 एक के दे दूं मत तो ये चूरन खा लूंगी। चूरन चूरन खा लेंगे का? हां चूरन उरन खाए फिट रहे। आज सुबह से कितने देर पढ़े बेटे लोग? पूरा काम किया शुरू से। हां अब पढ़ूंगी चूल्हा लेके। कम से कम नहीं 4 घंटे हेलो लेके आए तो पढ़ने का मन है। हेलो सब को पढ़ रहे थे, चूल्हा देखे तो भागे ऊपर। देखो स्कूल के अलावा 5 घंटे नहीं पढ़ोगे ना तो सकते नहीं है जान। तुम्हारा बुक सही था, पूछा ही नहीं मैंने। सीता वाला भी काम ना मिले कहे इसकी तब बहुत मशीन आई है, पूछा उछा मारेगा ना रोबोट। हाँ पूछा हाँ तो रोबोट आ जाएंगे आर्टिफिशियल, हाँ तो भी काम नहीं मिलेगा, फिर क्या करोगे तुम? बुक सही था? हाँ हो बढ़िया, मैं पूछी ही नहीं भाग। हाँ कौन सी बुक मंगाए थे? गांधी के बाद भारत, गांधी कौन था बताओ? महात्मा गांधी, द फादर ऑफ द नेशन। फादर ऑफ द नेशन, गांधी ने कौन सा आंदोलन किया था? दो तीन किए थे, उसमें से कौन सा? सॉल्ट ब्रेकिंग वाला कि कौन सा? सॉल्ट ब्रेकिंग जो नमक तोड़ने के लिए 200 मीटर अरे 200 किलोमीटर गए थे वो कि मैं बताऊं? मैं बताऊं पापा, वो तो पहले पंटू बताने दो। एक सौ ब्रेकिंग के लिए जो 200 मीटर गए थे वो है 200 मीटर गए 200 किलोमीटर।
सीता ये छेद काहे बनावा? धुआं निकल गया अम्मा, कहीं थोड़ा ऊपर से धुआं निकल गया, ये ज्यादा रहे थे इसलिए निकल गया। अच्छा, खूब गाढ़े माटी से घूर के कपड़ा से पोतनी है तो चिकना है। अब खाली मट्टी से पोते की हाँ। बाद में अच्छा बताओ, कौन सा ज्यादा जल्दी जल्दी पोत दी चिकन में यही तो पोताई लगी तो रो जाए तो चिकन हो जाए। अब का करबू एकर हे अंदर म करियो हरिया नहीं लगाही दतिया दतिया ने जैसी हरिया दतिया लगाव मठिया हां ओहु कतिया लगाई दे नहीं तो बा दिखा पर हां अपना आनंद है। ऐसे भोजन होता है उसमें ऐसे पकता है, इसमें ज्यादा अच्छा पकता है, रोटी और अच्छी लगती है खाने में। खराब जो तुम्हारे घर लकड़ी ज्यादा है ऊपर ही ज्यादा है, जल जाएगी तो खाद बन जाएगी, खेती में जाएगी ताकत बनी, ताकत हो जाए खेती की। ये प्रकृति के रूप से भी अच्छा है, राखी उखी जो रात निकलती है खेत में डाल दो आप, कीड़े उड़े नहीं लगेंगे। सब्जियां उब्जियां जैसे पहले हम लोग लगाते थे इधर तो रात को डाल देते थे फर्टिलाइजर जैसा, राख तो वापस नहीं मिलती। हां राख वापस जलती नहीं, राख क्यों जलेगी, राख वो लकड़ी बन गई ना राख। और आगे चल के लड़कियन की कितना बता के भैया ठीक है, और आगे चल के और कौनो नया डिजाइन निकल जाए तो लड़कियन की कितना समझाइए मने कि कैसे कैसे चूल्हा बनवाई न करे तो कैसे देखी बेचारन में, जैसे गौरव और के लड़कियन के सब बैठा कई चीज सी सब छोड़ न पाई सब कैसे एक अलग मजा बा ना। हां अब आपकी अगर भाई लिट्टी उट्टी बनाओ एक बार हां कुछ तो चाहिए मट्टी के या तो भाई आप ऊपर ही माल लगाए गैस पर रोटी खा हाँ। और कभी चूल्हा पर रोटी पहले और हमेशा चूल्हा पर रोटी अच्छी रहती है हाँ। पका था वो गैस का होता अधकच्चा टाइप का तब का पहले वो जो वो पहला चलना नहीं है दादी का वहाँ बबूले रोटी लाती थी मैं वो पहले बैठ के बड़ा गीला रहता था हम लोग खाते थे सरसों का तेल और नमक लगा के गौरी क्या कर रही हूँ क्या कर रही हो? नेक्स्ट चूल्हा मैं बनाऊंगी। नेक्स्ट चूल्हा तुम बनाओगी? सीख गई? मेन चूल्हा बनाना तो सीखी ही नहीं।
सीता से पूछो कब सिखाएंगे। सीता कब सिखाओगी? और थोड़ा बड़ी हो जाओ। और बड़ी हो जाओ। वही किसी तरह कहाँ धरी। हाँ सी गौरी का सिखाए रहे, थैंक यू बोल जाते तो क्या कहा तू? अरे भाई कड़ी क्या बेलगम। चूल्हा बनाने के लिए थैंक यू सीता। थैंक यू थैंक यू। वेलकम वेलकम वेलकम। सीता इधर बुलवा बुलवा कहाँ कहाँ जाए, क्या कहीं मने कहीं। अरे भैया पागल।